पंजाब यूनिवर्सिटी तशद्दुद केस का ड्रॉप सीन, तुलबा के शोहर अवैस रिंद ने तुलबा तंजीम को मुआफ़ करने के लिए बयान रिकॉर्ड करवा दिया। मुतासरा नौजवान का तमाम तुलबा को मुआफ़ करने का मुतालबा, पंजाब यूनिवर्सिटी इंक्वायरी कमेटी को तहरीरी बयान मौसूल। एहतसाब अदालत का डीजी नैब को शहबाज शरीफ पर इल्जामात की खुद तहकीकात करने का हुक्म। नैब को कानून के मुताबिक शहबाज शरीफ का मेडिकल करवाने और अद्वियात की सहूलत फराहम करने की हिदायत। कवायद जवाबित के मुताबिक फैमिली मेंबरान से मुलाकात भी करवाई जाए। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल, एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ को मजीद 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। साबिक वज़ीर-ए-आला को 7 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। अपोजिशन लीडर का 3 रोज का राहदारी रिमांड भी दे दिया गया। अदालत में शहबाज शरीफ के वकला ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की। एहतसाब अदालत के जज नजमुल हसन ने पहले केस पर फैसला महफूज किया और फिर सुनाया। साबिक वज़ीर-ए-आला सुबह 9:45 अदालत पहुंचे। वकला के अलावा लीगी कारकुनों का बेपनाह रश, शदीद धक्कमपेल। शहबाज शरीफ को कमरा अदालत तक पहुंचने में 15 मिनट लग गए। एहतसाब अदालत में केस की समाअत 1 घंटे जारी रही। मेरे साथ बहुत जुल्म और ज्यादती हो रही है, इजाज़त दें कुछ कहना चाहता हूँ। शहबाज शरीफ की अदालत से दरख्वास्त, आपको इजाज़त है बताएं। अदालत, जिस्मानी रिमांड को 25 रोज हो चुके, नैब अभी तक कुछ साबित नहीं कर सका। सब्र और तहमुल से नैब अफसरान को बर्दाश्त किया। कैंसर का मरीज हूँ, मेडिकल चेकअप की इजाज़त भी नहीं दी गई। फैमिली से मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही। शहबाज शरीफ ने रोस्टरम पर खड़े होकर तमाम परेशानी बयान की। अदालती अहाते में ना जाने की इजाज़त मिलने पर लीगी कारकुन भी पर गए। रंजीदा कारकुनों की जगह जगह पर पुलिस से तकरार और हाथापाई। मेयर मुबशर जावेद और डेप्यूटी मेयर को एमयू कॉलेज के करीब रोक लिया गया। अदालत के बाहर शहबाज शरीफ के हक में जबरदस्त नारेबाजी। नारों में गुम ख्वाजा इमरान नज़ीर और यूसी चेयरमैन अलीम मजीद जेबें कटवा बैठे। वकला की भी पुलिस से तल्ख कलामी। सिर्फ हमजा को कमरा अदालत में जाने दिया गया। और मंशा बम में कोई फर्क नहीं है। क्या कहा है मैंने? नैब और मंशा बम में कोई फर्क नहीं है। मंशा बम गैर आइनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से लोगों के जमीनों पे कब्जा करता है और नैब जो है लोगों की आजादी को कब्जे में लेता है। नैब और मंशा बम में कोई फर्क नहीं, न्याजी साहब नैब के पीछे छुप रहे हैं, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमकियां देते हैं। न्याजी साहब आप किसको डराते हैं? हमजा शहबाज के नैब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगु। कहा, नैब प्रोसिक्यूटर ने आज भी आए बाएं शाए मारी। शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किया जा सका। सिग्नल फ्री कॉरिडोर के बाद ग्रीन कॉरिडोर मंसूबा। पंजाब हुकूमत ने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के तहत रिंग रोड को ग्रीन कॉरिडोर बनाने का फैसला कर लिया। 5 लाख से ज्यादा दरख्त लगाए जाएंगे। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी को जिम्मेदारी सौंप दी गई। एफबीआर की बड़ी कार्रवाई, कायदे आजम सोलर पावर के अकाउंट्स मंजमन कर दिए गए। कायदे आजम सोलर पावर के जिम्मे 32 करोड़ वाजिबुल अदा थे। एफबीआर 12 करोड़ रुपए की रिकवरी कर ली। कागज की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ अंजुमन ताजरान उर्दू बाजार की हड़ताल। किताबें, प्रिंटिंग और दीगर स्टेशनरी की 4000 दुकानों को ताले लग गए। तदरीसी कुतुब और कॉपियों की खरीदारी के लिए उर्दू बाजार का रुख करने वाले तलबा को शदीद परेशानी का सामना।
पाकिस्तान है। मुरल टाउन में मुबैना मुलाविस पुलिस अफसरान को ओएसटी बना दिया गया। आईजी पंजाब का हुक्म, पुलिस अफसरान तारिक अजीज, अब्दुल रहीम शेरासी और मारूफ वाला को सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने की हदायत। 4 साल से मुतालिबा था, आज हुकूमत ने पूरा कर दिया। अदालत के जो फैसले होंगे वो भी खुशदिली से कबूल करेंगे। रहनुमा अवामी तहरीक खुरम नवाज गंडापुर की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। इंजीनियरिंग कंपनी में बोर्ड मेंबरान और एमडी में तनाजा। बोर्ड इजलास में शिरकत के लिए आने वालों को पीको फैक्ट्री के गेट पर रोक लिया गया। बोर्ड मेंबर आरिफ हबीब, मोहम्मद इकबाल, अंसर जावेद, मोहम्मद लियाकत और मिर्जा महमूद के लिए दरवाजे बंद, अंदर नहीं आने दिया गया। न्यू अस्पताल में डॉक्टर्स पर तशद्दुद का मामला। यंग डॉक्टर्स एमएस ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते रहे। मुजाहरीन का मुलजमान को गिरफ्तार करने का मुतालिबा। तशद्दुद करने वाले मुलजमान को पकड़ा जाए, वाईडीए। सैयद अली बिन उस्मान अल हिजवेरी अल मारूफ हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का दूसरा रोज जायरीन की जौक दर जौक मज़ार पर हाजिरी। फातिहा खानी, चादर पोशी, कुरान खानी, जिक्र अज़कार की महाफिल, फिजा दुरूद व सलाम से मुअत्तर। अकीदतमंदों के लिए लंगर का अहतमाम, दूध की रवायती सबीलों पर भी रश। अल्लाह और रसूल का दामन मत छोड़े, फलसफा हुसैनिया इस्लाम की इंतहा है। वाकिया करबला का सबक ये है कि अल्लाह को राजी करने के लिए जो भी कीमत देनी पड़े दे दो। मजलूम का साथ देकर हुसैनी काफिले में शरीक हो जाए, वकला इंसाफ के लंबरदार बन जाए तो अल्लाह पाक आपकी नस्लें सवार देगा। दिलों के अंधेरे खत्म करने के लिए अल्लाह और उसकी किताब मौजूद है। मौलाना तारिक जमील का लाहौर हाईकोर्ट बार में फलसफा शहादत, हुसैन अलैहिस्सलाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब से खाली होने वाली सेनेट की 2 नशिस्तों पर इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इलेक्शन 15 नवंबर को पंजाब असेंबली में होगा। कागजात नामजदगी की वसूली शुरू, 31 अक्टूबर तक जमा करवाए जा सकते हैं। सेनेट की 2 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून की सादिया अब्बासी और हारून अख्तर के नाहल होने पर खाली हुई थी। बॉक्सर आमिर खान की अहलिया के हमरा वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब में शिरकत। सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर आसिम ने इस्तकबाल किया। पाक रेंजर्स के जवानों की शानदार परेड देखकर जज्बे हुबुल वतनी का मुजाहिरा किया। शाकीन में अपने बॉक्सिंग ग्लव भी तकसीम किए। रेंजर अफसरान और अहलकारों के साथ तस्वीर बनवाई। कहा, सियासत में तब्दीली आ रही है, पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ देखना चाहता हूँ। और स्मगलर हसीना ट्रेसा की एक मरतबा फिर सच धज कर अदालत एंट्री। सेशन अदालत ने वकला को बहस के लिए तलब करते हुए समाअत 31 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी।